नमस्कार देश दुनिया विशेष को स्वागत करुच्छी रश्मि रंजन। महाराष्ट्र नागपुर निकट गुरुवाड़ा अंचल में माटी तलु मिली प्रस्तर जुगर किसी पुरातन सामग्री एपरिक ऐतिहासिक और प्रत्नतत्वविद माने खनन समय प्राय 3000 वर्ष तलर केतोटी कंकाल पाई माटी तलु उद्धार होता कंकाल और सामग्री सबू प्रस्तर जुगर बोली चर्चा होती। सेपटे आमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन पुणी थे साक्षात आलोचना हो जमापड़ी। एने उत्तर कोरिया वरिष्ठ अधिकारी किम यंग चोल आमेरिका जाते आमेरिकार वरिष्ठ अधिकारी सहित आलोचना करते तेरे केवे और उभय राष्ट्र मुख्य पुणी थे साक्षात होता स्पष्ट जमापड़ना। शेष में देखा निकट में रिलीज होगा दुईट चर्चित फिल्म संपर्क में तेज चलत आरंभ कर आज देश दुनिया विशेष। 3000 वर्षर पुणा प्रस्तर जुगर प्रमाण मिली वर्ष वर्ष धरी प्रमाण खोजार लगीम को मिली सफलता हाथ में लगी प्रस्तर जुगर एमती किसी वस्तु जहाँ इतिहास पछर इतिहास को खोजार प्रयास को सफल कराई आगक आहरी सफलता मिलवा सहित किसी दुर्लभ सामग्री और तथ्य मिली आशा कर इतिहास हजारे कि 2000 वर्षर नुहे 3000 वर्ष तलर इतिहास एवं से इतिहास पछरे रही इतिहास को खोजा को राति दिन एक कर ऐतिहासिक प्रत्नतत्वविद एवं गवेषक अति संवेदनशील भाव में माटी सहित माटी हो ध्यान सहित काम नियोजित होती पूरा टीम आशा इतिहास पछर सभ्यता जीवनशैली को जानवर मानव सभ्यतार से सत जहाँ को आज खोजापी एत बड़ टीम लगी ए दृश्य हूँ महाराष्ट्र नागपुर अंचल नागपुर निकट गौरवाड़ अंचल ऐतिहासिक और गवेषकों हाथ में एमती प्रमाण मिली जहाँ इतिहास प्रेमी एवं अनुसंधानकारी टीम को उत्साहित कर गौरवाड़ जंगल में माटी खोलखोलु 3000 वर्षर 4 पुरातन कंकाल मिली गोटे कंकाल एक नारीर होता बेले अंटी एक पुरुषर गत किद अंचल एक रिसर्च टीम दीर्घ दिन हम माटी खोलुते फलस्वरूप दुईट पुरतन कंकाल मिली यही सबू कंकाल 3000 वर्ष पुणा प्रस्तर जुगर बोली दावी ऐतिहासिक दृष्टिकोण कंकाल मिलवा बे सफलता मन कर। अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे हमने उत्खनन 3 नवंबर 2018 से मतलब तकरीबन 2 से 2.5 महीना से एक्सकवेशन जो है ये उत्खनन जो है चल रहा है ये गोरेवाड़ा के जंगलों में स्थापित मेगालिथिक जो बरियल्स है इन बरियल्स का यहाँ पे उत्खनन चल रहा है। यहाँ पे तकरीबन ऐसे 40 से 50 इस तरीके की कब्रें हैं इस तरीके के ग्रेव्स हैं जिसमें से हम लोगों ने 3 ग्रेव या जिसको हम लोग स्टोन सर्कल कहते हैं स्टोन सर्कल्स की खुदाई यहाँ पे चालू की है। इन स्टोन सर्कल की खुदाई से अभी तक हमको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी एविडेंसेस जो मिले हैं जो अपने आप में नॉट ओनली विदर्भ मध्य भारत हालांकि पूरे इंडिया में पहली बार इस तरीके के एविडेंसेस हमको मिले। गवेषक टीम को मिला बड़ सफलता प्रस्तर जुगर मिली प्रमाण कंकाल डीएनए जांच परे अनेक किसी रोचक तथ्य सामना को आसीबो बोली आशा रखी टीम जांच समय तत्कालीन संस्कृति रहणी चालीचलन खाइवा पीबार तथ्य मिल पार कंकाल सहित प्रस्तर जुग्य अन्य किसी अवशेष मिली जहां गवेषण में ऐतिहासिकों बेस सहायक भी हेब प्रस्तर जुगर इतिहास संपर्क में अधिक तथ्य सामना को भी आसीबो। एक ही कब्र से हम लोगों को 4 कम्प्लीटली स्केलेटन्स मिले 4 कम्प्लीटली मानव कंकाल मिले जो अपने आप में पहला एविडेंसेस है पूरे इंडिया में कि एक मेगालिथिक संस्कृति में एक बरियल से 4 इस तरीके के मानव कंकाल मिलने का पहला एविडेंसेस है। दूसरा हमको यहाँ पे एक कपल मिला है कि जो कपल है जो जिसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है कि जो आजू बाजू में ऐसी एक साथ दफनाए गए हैं वो देखने में रिलेटिवली हम लोग जिसको कहते हैं कि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो स्त्री एंड पुरुष दोनों के कंकाल हो सकते हैं हालांकि इस पे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी इस पे और ज्यादा फोकस करेगी। खनन बेले प्रस्तर जुगीय सामग्री अधिक मिली ताठारु अधिक रहस्यजनक होची एठारु उद्धार करा जाइथिबा ताम्र एवं लोहर किछि सामग्री जहां गवेषकों को अधिक आश्चर्यचकित करिछि भारत किंबा अन्य कौनसी प्रांत रे एभली सामग्री मिली नथिबा बेले आगु को खनन बेले अधिक किछि रोचक तथ्य हासिल हेबो बोली आशा करा जाउछि। यहां से जो आयरन के जो टूल्स मिले हैं ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और अपने आप में अगर आप देखा जाएंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी काफी सुपीरियर थी तथा यहाँ से हमको जो तांबे की चूड़ियाँ मिली है तांबे के हमको यहाँ फर्स्ट टाइम हमको इंडियन मेगालिथिक हिस्ट्री में तांबे का नेकलेस मिला है जो अभी तक कहीं से रिपोर्टेड नहीं है।
3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବେଶ ବିକଶିତ ଥିଲା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ। ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଲୌହ ତାମ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୁରୀରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। एक हमको एक कटार मिली है कि जिसमें उसकी जो मुठ है, उसका जो हैंडल है, वो हैंडल लोहे का बना, वो हैंडल तांबे का बना हुआ है और ऊपर में लोहे के ऐसी कटार लगी हुई है। लेकिन ये जो तांबे का जो हैंडल है, इसको अगर आप देखें तो दोनों तरफ से तांबे की प्लेट है। जो रिवेटिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी काफ़ी बाद में इस्टेब्लिश हुई है, ये टेक्नोलॉजी हमको उस जमाने में मिलती है। तो महत्वपूर्ण बात यह कि 3000 साल पहले इन लोगों को वो रिवेटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी थी और ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्धार होता पुरातन सामग्री सबूर वैज्ञानिक पद्धति में जांच हो जांच पर अनेक किसी तथ्य सामनाक आसब जहाँ वर्ष वर्ष गवेषणा को नुआ दिशा देव बोली आलोचना हो। महाराष्ट्र नागपुर निकटे रही जूनापाणी स्टोन सर्कल गोटे किंवा दुईट नुहे पखापाखि 300 अधिक स्टोन सर्कल। 1879 मसीह ऐतिहासिक जेएच रिबर्ट गार्नक एठार खनन काम आरंभ करते। खनन बेले दुर्लभ सामग्री मिलता छुरा कुराड़ी चूड़ी मुदी आदि मिलता। यह सहित लाल और कला रंगर मटीर यानेक पत्र खनन बेले मिलता। 1961 मसीह जूनापाणी बिके थापर द्वारा खनन कार्य जोरसोर आरंभ हुए। प्राथमिक पर्यायर तीन स्टोन सर्कल में खनन बेले गृहपात पशु कंकाल उधार कर प्रस्तर जुगीय अनेक सामग्री उधार पर एएसआई पक्ष सैट्रे खनन काम चालू रखी आउ आगक अनेक किसी तथ्य हासिल हो पार बोली आशा करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी। सबरीमाला मंदिर में एक निर्दिष्ट वयसर महिला विषय में सुप्रीमकोर्ट में तथ्य रखिंट केरल सरकार। मंदिर में प्रवेश सुप्रीमकोर्ट अनुमति देवापर वर्तमान सुधा 51 जन 85 वर्ष कम वयसर महिला मंदिर में प्रवेश करतीस दर्शन करने को चाहूबा महिला आवश्यक सुरक्षा जगह दि जा सत्यपाठ दर्शाई। शबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर दुईज महिला बिंदु अमिनी और कनक दुर्गा से सुरक्षा जगह देवाई सुप्रीमकोर्टे आवेदन करते मामलार शुणी कर सुरक्षा जगह देवाई केरल सरकार को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते। गत सेप्टेम्बर मसने शबरीमाला मंदिर में महिला प्रवेश अनुमति देवापर यह एक निर्दिष्ट गोष्ठी पक्ष विरोध कर दर्शन करने को चाहूबा निर्दिष्ट वर्गर महिला पंपा निकटें अटका जा। जम्मू और काश्मीर लदाख अंचल हिमस्खलन बरफखंड खसी तीन जन मृत्यु होतीसहित सात जन एवं निखोज अच्छा। शुक्रवार सका लदाखर खर्दुंग लापास अंचल प्रबल बरफापात होता एथजू 10 जनकर वर्तमान पता मिलूनी किसी गाड़ी फसी रही आशंका प्रशासन पक्ष युद्धकालन भित्तर अपरेसन आरंभ हो गत किद जम्मू और काश्मीर अंचल में प्रबल बरफापात हो। गुरुवार पाणीपाग विभाग पक्षर 10 जिला अनंतनाग बड़गाम बारमुला बांदीपोरा गंडेरबाल कारगिल कुलगाम कुपवाड़ा एवं लेह अंचल में हिमस्खलन हो पूर्वानुमान प्रबल बर्फपात जो जम्मू काश्मीर जातीय राजपथ में गाड़ी चलाचल बंद रही। महाकाश विज्ञान प्रति युवपीढ़ी मान आकृष्ट करने इसरोर आउ एक उद्यम युव वैज्ञानिक मान इसरो पक्ष तालीम दिजाव प्रत्येक राज्यर तीन जन छात्र छात्री को चयन होसरो पक्ष प्रशिक्षण दिजाव यहाद्वारा इसरो पक्ष परीक्षागारे होता गवेषणा संपर्क में छात्र छात्री तथ्य हासिल करेंगे एथस साटेलाइट निर्माण संपर्क में सीधासलख ज्ञान आहरण करें इसरो मुख्य के शिवान सूचना देते एथस चारिट स्थान में महाकाश विज्ञान इक्यूबेशन सेन्टर प्रतिष्ठा हो। पुणी आमेरिका और उत्तर कोरिया भितर हो आलोचना। आमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन पुणी साक्षात आलोचना हो एने उत्तर कोरिया पक्षर वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका जाए प्रस्ताव दे चर्चा जोर धरी। डोनाल्ड ट्रंप और किम जंग उन पुणी हेबो साक्षात। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया शासक किम जंग उन पुणी गोटे टेबुल बस आलोचना करेंगे। उत्तर कोरिया पक्षर वरिष्ठ अधिकारी किम यंग चोल अमेरिका माटी पाद थापिबा परे एभली चर्चा जोर धरी। वाशिंगटन जाए किम यंग चोल अमेरिकार वरिष्ठ अधिकारी एने आलोचना करथिबा जणापड़ी। मीडिया रिपोर्ट अनुसार किम यंग चोल किम को प्रेरित एक चिठी नहीं ट्रंप को देवाक जाइछन्ती। यह जणापड़ा पर ट्रंप और किम को द्वितीय बार आलोचना हेबानी सबुठी चर्चा जोर धरी। तबे आलोचना केउठी हेबो आउ केबे हेबो ताहा स्थिर होइनाही। कहुची आसंता फेब्रुआरी रे भियतनाम रे हेबो एही दुई राष्ट्र मुख्यों मध्य भेटघाट तेरे सटीक स्थान और तारीख जना पड़ी। जदि पुणी किम जोंग उन और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साक्षात करती तेरे द्वितीय आलोचना हेबो।
ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମଥର 2018 ମସିହା ଜୁନ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପରୀକ୍ଷଣରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ରାତି ପାହିଲେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା କିମ୍ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାଟରେ ଆଗଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେରିକା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରଖିଥିବା ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣାଉଥିବାରୁ କିମ୍ ନାଖୁଶ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ନେଇ 2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କିମ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ କିମ୍ଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ କୁହାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଚୋଲ୍ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ମିଜାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନ୍। ଆମେରିକାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମାନି ନଥିଲେ ବି କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଚଳିତ ମାସରେ ସେ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ ଚୀନ୍ ଯାଇ ଟିପ୍ସ ନେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆମେରିକାକୁ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଚୋଲ୍। କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚୋଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କାମରେ ଚୋଲ୍ଙ୍କୁ ଲଡ଼ନ୍ତି ଉନ୍। ବୈଦେଶିକ ଆଲୋଚନା ହେଉ କି କୌଣସି କୂଟନୀତି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେ କିମ୍ଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିମ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଚୋଲ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି। ଜେନେରାଲ କିମ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଚୋଲ୍ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଲ୍। 74 ବର୍ଷୀୟ ଚୋଲ୍ କିମ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସହକର୍ମୀ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଚୋଲ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତି। ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବେଳେ ହେଉ କି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚୋଲ୍ କିମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ୱାର୍କସ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ କୋରିଆର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିବା ଚୋଲ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ। ଅନେକ ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ଚୋଲ୍ କିନ୍ତୁ କୂଟନୀତିରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ମିଲିଟାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିବାବେଳେ 2010 ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସେନା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ବିବାଦରେ ଫସି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିବା ଚୋଲ୍ କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ପାଖଲୋକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। 2018 ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଚୋଲ୍। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଉନ୍ଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ସୂତ୍ରଧର ଚୋଲ୍ ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପତ୍ର ନେଇ ଚୋଲ୍ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏହି କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ କୂଟନୀତି କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଶେଷ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆମର ଏହି ବୁଲେଟିନ୍। ଦେଶ ବିଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ପୁଣି ଖବର ପଛର ଖବର, ଯାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।